हेलो गाइस, मैं हूँ पायल और आपका स्वागत है मेरे चैनल मसाला जायका में। सब्सक्राइब करें मसाला जायका को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बनाएंगे नो मैदा, नो एग, नो बटर, थ्री इंग्रेडिएंट्स चॉकलेट केक की रेसिपी। लॉकडाउन में अगर किसी का बर्थडे आ रहा है तो आप इस थ्री इंग्रेडिएंट्स चॉकलेट केक की रेसिपी को बहुत ही इजीली बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक हार्ट शेप का केक टिन ले लिया है और इसको अभी हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो ऑयल से या फिर बटर से भी केक टिन को ग्रीस कर सकते हैं, या फिर आप केक टिन की जगह कोई भी स्टील का बर्तन लेके उसमें भी केक को बना सकते हैं। तो अभी हमने केक टिन को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अभी हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर को हमने केक टिन के साइज का काट लिया था और इसके ऊपर से भी हम घी, ऑयल या फिर बटर से ग्रीस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डाल के पूरे केक टिन में लगा ले। तो केक टिन हमारा रेडी हो चुका है, इसको अभी हम साइड पे रख देंगे। और अभी हमने केक बनाने के लिए यहाँ पर 250 ग्राम चॉकलेट बिस्किट्स ले लिया है, अलग अलग ब्रांड के, और इन सभी बिस्किट्स को अभी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो बिस्किट्स हमारे पाउडर फॉर्म में बन चुके हैं और इसमें अभी हम डालेंगे दूध। तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के एक पोरिक कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर रेडी कर ले। आपको ध्यान रखना है कि आप एक साथ ज्यादा दूध ना डालें, इससे बैटर पतला भी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के सही कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर रेडी कर ले। बैटर हमारा रेडी हो चुका है और इसमें अभी हम डालेंगे इनो। तो आप यहाँ पर एक छोटे चम्मच इनो डाल दें और इसमें अभी हम थोड़ा सा दूध डाल के इनो को बैटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनो को बैटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें तुरंत इसको केक टिन में डालकर बेक होने के लिए रखना है, नहीं तो हमारा केक जो है ठीक से बन के रेडी नहीं होगा। तो इनो को हमने मिक्स कर लिया है और इसको अभी हम पूरा केक टिन में डाल देंगे, इसलिए हमने केक टिन को पहले ही रेडी करके रखा था। बैटर को डालने के बाद केक टिन को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल्स ना रहे और इसे अभी हम बेक करने के लिए तुरंत रख देंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई पे नमक को स्प्रेड कर दिया है और उसमें हमने एक स्टैंड को रख दिया है। इस नमक को हमने बहुत बार बेकिंग में यूज किया था, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और इस कढ़ाई को हमने 10 मिनट हाई फ्लेम पे गैस पे पहले से ही चढ़ा के रखा था ताकि वो प्री हीट हो जाए। और इसमें अभी हम केक टिन को प्लेस कर देंगे और उसे ढककर अभी हमें आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। तो इस केक को ढके हुए हमें 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और अभी हम एक चम्मच या फिर टूथपिक डालकर इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये क्लीन निकल रहा है, मतलब हमारा केक बनके एकदम रेडी है। अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चाकू से इसके साइड्स को अलग कर लेंगे और अभी हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको पलट कर प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़ा टैप कर दे ताकि ये जल्दी से निकल जाए। और इसके ऊपर से अभी हम बटर पेपर को हटा देंगे और फिर से इसके ऊपर सर्विंग प्लेट रख कर इसको दोबारा से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना सुंदर, कितना स्पॉन्जी बनके रेडी हो चुका है। इसके ऊपर अभी हम चॉकलेट गनाश डालकर इसको पूरा कवर कर लेंगे। आप थोड़ा सा चॉकलेट कंपाउंड लेकर उसको थोड़ा सा दूध डाल के डबल बॉयलर प्रोसेस में पिघला ले तो आपका चॉकलेट गनाश बन के रेडी हो जाएगा। तो हमने केक के चारों तरफ चॉकलेट गनाश को लगा लिया है और अभी हम इसके ऊपर थोड़े से क्रश्ड व्हाइट चॉकलेट डालकर इसको डेकोरेट कर देंगे। और लास्ट में इसके ऊपर दो चॉको स्टिक्स डालेंगे और एक चॉकलेट कैंडी लगाकर इसके डेकोरेशन को फिनिश कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। इस केक की रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें और इसकी पिक्चर्स हमें इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर शेयर करें। अगर आज की इस केक की रेसिपी को आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।